हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट्स सोशल साइंस लेसन नंबर 10 रिमेनिंग पार्ट्स फूड ग्रेन्स पार्ट 2 फूड ग्रेन्स। ग्रेन्स आर क्लेविटेड इन अबाउट 75% ऑफ द टोटल एरिया शोन एंड अबाउट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम फ्रॉम ग्रेन्स। बट जो ग्रेन्स फूड ग्रेन्स हैं वो अबाउट 75% होता है, उसमें से 50% अपने को प्रोडक्शन में वो दिखता है। मेजर फ्रूट ग्रेन्स आर एस फॉलो। जो मेन जो मेजर फ्रूट ग्रेन्स है वो कौन कौन से? फर्स्ट हो गया पैडी। पैडी मीन्स के राइस। पैडी इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप। पैडी क्या इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं? अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूज द राइस। सबसे ज़्यादा पीपल पूरे वर्ल्ड में और इंडिया के हाफ पॉपुलेशन राइस का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं चावल का खाने में। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन द पैडी प्रोडक्शन क्रॉप। इंडिया का रैंक चाइना के बाद कौन सा है? सेकंड है। किस में? पैडी का प्रोडक्शन करने में। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ द टॉरियड जोन। पैडी कहाँ पे ज़्यादा होता है? जहाँ पे जोन कैसा हो? टॉरियड हो। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसका क्लाइमेट कैसा हो? हॉट एंड ह्यूमिड हो। मिनिमम उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो। फर्टिलिटी एलिवियल सोल और मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हो, वहाँ पे पैडी क्या होता है? ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इन द रीजन ऑफ द लेस रेनफॉल इन पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश इज दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू द इरीगेशन। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में रेनफॉल कम होने के बावजूद भी इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पर पैडी क्रॉप ईजिली ग्रो होता है। अब पैडी कहाँ कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा एंड द मेजर पैडी प्रोडक्शन इन स्टेट। द क्रॉप इज टेकन 2 or 3 times इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा एंड तमिलनाडु में ये पूरे साल में 2 से 3 times ये होता है। इन गुजरात तुमको पैडी का ग्रोथ तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट। पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर। पैडी को क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। इसके लिए जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, स्प्रिंकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ पे मतलब पैडी ज़्यादा ग्रो होता है। नेक्स्ट हो गया वीट। वीट मतलब स्टूडेंट्स गेहूँ। विच इज द सेकंड इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ ओवर कंट्री आफ्टर द पैडी। पैडी के बाद अपने कंट्री का जो इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स है वो क्या है? गेहूँ। विट इज़ अ ग्रो ओवर वन द थर्ड एरिया इन द अरेबल लैंड इफ ओवर कंट्री। अपनी कंट्री के थर्ड पार्ट्स में ज़्यादातर प्रोडक्शन किसका होता है? वीट का। इट इज़ अ सस्टेनेबल फूड फॉर द पीपल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के पीपल को है ये क्या सस्टेनेबल फूड है। वीट इज़ अ रबी क्रॉप ऑफ द टेम्परेचर जोन। वीट कौन सा क्रॉप है? रबी क्रॉप। रबी मतलब स्टूडेंट्स मैंने तुमको क्या समझाया था कि रबी क्रॉप कौन से को बोलते हैं? मतलब कि जो विंटर सीजन में होता है। वीट कैन बी ग्रो इन द रीजन ऑफ द लेस रेनफॉल विद द इरीगेशन। जहाँ पे रेनफॉल कम हो और इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पे भी वीट ग्रो हो सकता है। वीट कैन नॉट बी ग्रो इन द एरिया रिसीविंग द मोर देन 100 rainfall। जहाँ पे 100 centimeter से ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे वीट ग्रो होता नहीं है। विट क्लेविटेशन इज कैरी आउट मोस्टली इन द पंजाब हरियाणा एंड द वेस्ट उत्तर प्रदेश। ड्यू टू द कैनल वाटर इन पंजाब देर इज अ ऑबनस विट प्रोडक्शंस। डेट्स वाई पंजाब इज ऑल्सो कॉल्ड द विट बाउल ऑफ इंडिया। पंजाब में कैनल वाटर होने की वजह से विट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से अपने पंजाब को विट बाउल, इंडिया का विट बाउल मतलब गेहूँ का बाउल के नाम से भी पंजाब को अपने जाना जाता है। वीट इज ऑल्सो प्रोडक्ट्स द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मतलब वीट कहाँ कहाँ पे होता है? बंगाल, ऐसा था। बालिया वीट इज अ प्रोडक्शन, बालिया वीट्स मतलब एक मतलब उसका नाम है। बालिया वीट इज अ प्रोडक्शन इन द बाल रीजन ऑफ गुजरात। बिसाइड मेहसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोडक्ट्स द वीट। ठीक है, मैनी आइटम्स अपने वीट से मतलब बहुत सब चीज़ें बना सकते हैं, लाइक रोटी, भाखरी, शेव, शीरो, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट, एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स मुँह में पानी आ गया है ना? अमोंग ऑल ग्रेन्स वीट इज मोस्ट न्यूट्रिशंस। स्टूडेंट्स तुमको ये मैप में
तुमको इतना देखने को मिल सकता है कि जैसे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सी है, पेडिकॉर्प की है। जैसे कि ये नेपाल के नीचे वाला पार्ट जो है वहाँ पे इजिली व्हीट भी होता है ना, पैडी भी होता है, ठीक है। ये जो क्रॉस लाइन है वो किसकी है, हाँ व्हीट की है। जुआर बाजरा मेज एंड बैली आर मेजर कोर्स ग्रेन ग्रो इन द इंडिया, मतलब जुआर बाजरा मेज बैली वो सभी मतलब इंडिया में क्या होता है, ग्रेन होता है। जुआर, जुआर इज द मोस्ट प्रोडक्ट ग्रेन इन इंडिया आफ्टर द पैडी एंड व्हीट। पैडी और व्हीट के बाद अगर ज़्यादा किसी का प्रोडक्शन होता है तो किसका होता है, जवार का। जवार इज द बोथ खरीफ एंड द रबी क्रॉप। जवार कैसा है, खरीफ क्रॉप भी है एंड रबी क्रॉप भी है। टेम्परेचर जिसका 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस हो और रेनफॉल 125 सेंटीमीटर हो और ब्लैक एंड लॉमी सॉइल हो तो मतलब कि जवार इजीली क्या होता है, ग्रो हो सकता है। इट्स अ प्रोडक्शन इन द, ये कहाँ पे ग्रो होता है, मेहसाणा कर्नाटका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गुजरात स्टेट। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ द जुआर इन द गुजरात इज डन इन सूरत एंड तापी दीक्षित। इट इज अ ग्रो इन द रीजन हैविंग द टेम्परेचर बिटवीन, उसका टेम्परेचर सेम तुमको ऊपर दिखाया मैंने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल भी 40 से लेकर 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। लाइट सैंडी सॉइल होना चाहिए तो इजीली क्या होता है, वो ग्रो होता है। नेक्स्ट हो गया मेज, दिस इज द खरीफ क्रॉप। मेज क्या है, खरीफ क्रॉप है। मेज इज द मोस्ट ग्रो क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर द पैडी एंड द व्हीट। सेम व्हीट एंड पैडी के बाद मेज का भी प्रोडक्शन क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब इंपॉर्टेंस है। मेज इज अ ग्रो मोर इन द हिली एरिया एंड इज द स्लैप फूड ऑफ द पीपल्स। वो कहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है, हिली एरिया में, और स्टेपल फूड है लोगों का। कैसा है वो, स्टेपल फूड है। उसकी कंडीशन कैसा है, रेनफॉल कितना होना चाहिए, 15 से लेके 100 सेंटीमीटर, 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसा मतलब उसका फेवरेटेबल फैक्टर्स हो तो मतलब कि मेज अच्छा ग्रो होता है। ज़्यादा तुमको मेज तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड गुजरात में। ज़्यादातर तुमको कहाँ पे ये शो होता है, पंचमहाल दाहोद साबरकांठा एंड अरावली डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट हो गया पल्सिस, पल्सिस इज द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। अगर वेजिटेरियन पीपल्स को, वेजिटेरियन पीपल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स की नॉन वेज खाते नहीं है ना अपने, ज़्यादा तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, नॉन वेज में। तो वेजिटेरियन पीपल्स को अगर प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो किसका यूज़ करते हैं वो लोग, पल्सिस का। पल्सिस मीन्स के जो अपने घर में तुअर मूंग ग्राम चने की दाल पीसीस बीन्स, ठीक है, मत उड़द वो सब जो दाल होती है जैसे अपने कठोड़ बोलते हैं, इस मीन्स पल्सिस। पल्सिस आर ग्रो इन द स्टेट एक्सेप्ट द वेयर रेनफॉल इज अ मोर। वो वहाँ पे ग्रो होता है कि जहाँ पे बारिश कैसी हो, ज़्यादा हो। मेजर पल्सिस प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ओडिशा बिहार आंध्र प्रदेश एंड गुजरात में। वो कहाँ पे होता है ज़्यादातर, वडोदरा डिस्ट्रिक्स मूंग मठ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड द उड़द इन द पाटन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट होते हैं ऑयल सीड्स। स्टूडेंट्स ऑयल मतलब कि ऑयल सीड्स मतलब कि जिसमें से ऑयल अपने को मिलता है, ग्राउंड नट तिल सोयाबीन कैस्टर मस्टर्ड सनफ्लावर एक्सेट्रा आर द कंसिडर्स टू बी ऑयल सीड्स। मतलब ये सब कैसे, जिससे से अपने को ऑयल ऑब्जर्व होता है। दे होल्ड एंड द इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द इंडियन मील्स। इंडियन को खाना बनाने के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट है तो तेल, ऑयल्स। ऑयल के बिना अपने इजीली खाना पका सकते ही नहीं है। आफ्टर एलिजिबल ऑयल एक्सेप्ट द फ्रॉम द ऑयल सीड्स द रिमेनिंग ऑयल केक इन द यूज टू एनिमल फोल्डर एंड ऑल्सो बी बायोटिक मैनर। मतलब कभी कभी अपने को नेचुरली मिलता है या कभी कभी मतलब कि वो एलिजिबल ऑयल है वो सीड्स में से या फिर एनिमल फोल्डर से, मतलब ये मतलब कि इस तरह से मतलब वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो पहले तो ऑयल सबसे अलग मिलता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मतलब कि स्टूडेंट्स मूंगफली, जब मूंगफली खाते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड नट, ठीक है। ग्राउंड नट होल इन द इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द ऑयल सीड्स। ग्राउंड नट सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशन है जो ऑयल क्या करती है देती है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए लैंड का, ब्लैक एंड द मिक्स ऑफ द लॉमी एंड सैंडी सॉइल। लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस।
रेनफॉल कितना होना चाहिए, 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर रेनफॉल हो तो ग्राउंड नट इजिली एंड फास्ट ग्रो होता है। ग्राउंड नट इज सो इज अ खरीफ क्रॉप, ग्राउंड नट कैसा है, खरीफ क्रॉप है। एंड वेयर देयर इज अ इरीगेशन फैसिलिटी इज कैन बी शो ड्यूरिंग द समर ऑल्सो, अगर समर के टाइम पे भी वो ग्रो हो सकता है, पर वहाँ पे कौन सी इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये गुजरात में, गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र में मतलब ये ज़्यादा क्या था ग्राउंड नट होता है। इसे हम इंडिया का रैंक जैसे कि राइस का था, ऐसे ही इंडिया का रैंक चाइना के बाद ग्राउंड नट प्रोडक्शन में कौन सा है, सेकंड नंबर। गुजरात इज द कंट्री ऑफ द ग्राउंड नट प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में कहाँ कहाँ पे होता है, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, वहाँ पे ग्राउंड नट का प्रोडक्शन इजिली तुमको देखने को मिल जाएगा। सेकंड हो गया शीशम मतलब तिल, तिल इज अ ऑयल इज अ यूज इन इंडिया सिंस एजिस, पुराने जमाने से ही, पहले के जमाने से ही तिल का तेल, तिल का ऑयल मतलब कि यूज आता हुआ होता हुआ आया है। इन द नॉर्थ इंडिया इट इज़ अ रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप, इन साउथ इंडिया इज अ सो इज अ रबी क्रॉप, नॉर्थ इंडिया में तुमको ये खरीफ क्रॉप में तुमको देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप में है। एंड ओकेशनली जेड क्रॉप ऑल्सो, ओकेशनली वो जेड क्रॉप में भी वो कन्वर्ट होता है। ऑलमोस्ट ऑफ द स्टेट ग्रो तिल, मतलब बहुत सब स्टेट हैं जो तिल को क्या करते हैं, ग्रो करती है। अमंग ऑल ऑयल सीड्स हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल्स, ऑयल तुमको ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है कि सीसम मतलब कि तिल का ऑयल, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में, गुजरात का रैंक फर्स्ट इन इंडिया टर्म ऑफ द तिल प्रोडक्शन, गुजरात का प्रोडक्शन तिल का, गुजरात का प्रोडक्शन में रैंक कौन सा है, फर्स्ट है, किस में, ऑल ओवर इंडिया में। मैक्सिमम एक्सपोर्ट इन द तिल इन वर्ल्ड इन द डन बाय द इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रोडक्शन करती है तो किसका करती है, तिल का। नेक्स्ट हो गया मस्टर्ड, मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, वो कौन सा है, रबी क्रॉप से, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया वाले पीपल्स के लिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप से। मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स ऑयल आर यूज फॉर द मेडिसिन एंड ऑल्सो एलिजिबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड से ऑयल और उसके उसका ऑयल का यूज ज़्यादातर किस में होता है, मेडिसिन में और एलिजिबल ऑयल में। ये ज़्यादातर तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड मेजर प्रोडक्ट्स आर मस्टर्ड्स। कोकोनट, स्टूडेंट तुम कोकोनट से तो अवेयर हो ही, कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट्स एंड द स्लैम लैंड्स। इन इंडिया कोकोनट प्लांटेशन ऑफ द इंडिया में तुमको कोकोनट तुमको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा एंड गुजरात में तुमको कोकोनट जहाँ पे कोस्टल रीजन हो वहाँ पे तुमको इजीली वो फाउंड होता है। कोकोनट इज अ वाटर इज अ यूजफुल टू द हेल्दी ड्रिंक, मतलब कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है, नारियल पानी जो बोलते हैं, वो पीने के लिए कैसा एक हेल्दी है। नेक्स्ट हो गया कस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड इज ऑल्सो नोन एज देवेला लोकाली, इट इज़ अ बोथ खरीफ एज वेल द रबी क्रॉप, मतलब ये खरीफ क्रॉप भी है और रबी क्रॉप भी है। विथ 64% इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द कस्टर्ड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया 64% कस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन करती है। चाइना एंड ब्राज़ील नेक्स्ट रिसल्ट, उसके बाद किसका आता है, चाइना एंड ब्राज़ील का। अबाउट 80% ऑफ द प्रोडक्शन कम फ्रॉम द गुजरात, कस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन गुजरात से कितना आता है, अबाउट 80% जितना, वो तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड अदर प्रोडक्ट्स इन द गुजरात में, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली एक्सेट्रा में तुमको ये तुमको देखने को मिल जाएगा। शुरू हो गया हॉट ब्रेवेगर्स, तुमको चाय, कॉफ़ी, कोको वो सबसे तो तुम क्या अवेयर तो हो ही, तो मतलब कि चाय मतलब कि टी, टी इज अ प्लांट ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल द टेम्परेचर जोन, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर जोन ट्रॉपिकली है वहाँ पे तुमको ये इजीली तुमको देखने को मिल जाएगा। द टी लीफ टू सॉरी द टी लीफ एंड द टेंडर स्पॉट्स ऑफ द प्रोसेस एंड इज पाउडर एंड द स्मॉल लीव्स इन द यूज टू ड्रिंक्स, टीकल लीफ को प्रोसेस करके इसको पाउडर बनाएंगे तो उस वो पाउडर को पाउडर बनते हैं और एक ममली टाइप का जो बनता है उसको मतलब कि अपने क्या करते हैं ड्रिंक में, चाय में अपने क्या कर सकते हैं उसको यूज़ करते हैं।
इंडिया प्रोडक्ट्स मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना, चाइना के बाद इंडिया का टी प्रोडक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर द लैंडिंग टी एक्सपोर्ट, मतलब श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया टी का क्या करते हैं, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। स्लोपी इलैंड, मतलब उसको कौन सा कंफर्टेबल है, जो लैंड स्लोपी इलैंड हो, वेयर इज द वाटर इजीली फ्लो डाउन, गुड आयरन कंटेंट्स, 20 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर हो, अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, वहाँ पे तुमको टी का प्रोडक्शन तुम अच्छे से कर सकते हो। ट्री इज अ टी इज अ ग्रो इन द मोर इन आसाम, सबसे ज़्यादा ट्री कहाँ पे तुमको होती है ग्रो, आसाम में, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड द कर्नाटका। आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोडक्ट्स अबाउट 75% ऑफ द नेशंस, पूरा नेशन में आसाम और वेस्ट बंगाल में टीका प्रोडक्शन कितना होता है, 75%। द टी लीव्स आर अ वेरी सिकफुली प्लग फ्रॉम द प्लांट्स। नेक्स्ट हो गया कॉफ़ी। कॉफ़ी इज अ रेड ओवर द स्लोप एंड द माउंटेन इन द शेड्स लार्ज ट्रीज इन द सर्च वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन द कॉफी लीव्स। कॉफ़ी मतलब कि जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट कॉफ़ी के ट्री के ऊपर नहीं पड़ती हो, ऐसे वहाँ पे कॉफ़ी जल्दी ग्रो होता है, ठीक है, स्लोपी और माउंटेन रीजन्स पे। फिर कॉफ़ी क्रॉप्स को मतलब कि रेनफॉल कितना चाहिए, अबाउट 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक, एंड उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 से लेके 28 सेंटीमीटर हो, तो कॉफ़ी ईजीली क्या होती है, ग्रो हो सकती है। कॉफ़ी इज़ अ ग्रो इन द, कॉफ़ी कहाँ पर ग्रो होती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। द क्रॉच एरिया ऑफ द कर्नाटका इज अ वेल्थ नो इज द रीजन ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन। कॉफी सीड्स आर द एक्सट्रैक्ट्स आउट ऑफ द नट्स ग्राइंड्स एंड देन इज द यूज टू ड्रिंक्स। कॉफ़ी के बीन में से एक नट जैसा निकलता है ने उसमें तुमको मतलब कि बीन जैसा निकलता है ने उसमें से तुम क्या बना सकते हो, पाउडर फॉर्म करके उसमें तुम मतलब उससे तुम कॉफ़ी का ड्रिंक मतलब कॉफ़ी पीने में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कोको, कोको से सब स्टूडेंट सब अवेयर ही है। कोको इज अ प्रिपेयर आउट ऑफ द सीड्स द कोको फ्रूट्स। कोको किस में से मिलता है, कोको फ्रूट्स में से जो सीड्स निकलती है उसमें से क्या निकलता है, कोको। कोको इज अ विनेगर्स। चॉकलेट इज अ प्रिपेयर फ्रॉम द कोको। चॉकलेट जो अपने खाते हैं स्टूडेंट्स वो भी किस में से बनती है, कोको में से। इट इज़ अ रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेलरेटेड रेनफॉल। ये कहाँ, उसको ग्रो होने के लिए क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए और एक्सेसिव रेनफॉल होना चाहिए। अफ्रीकन कंट्री आर इट्स मेजर प्रोडक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा इसको अफ्रीकन जो कंट्री है वो उसको कोको को ज़्यादा क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। कोको प्रोडक्शन इन इंक्रीज इन, अभी कोको प्रोडक्शन कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। स्टूडेंट कैश क्रॉप, कैश क्रॉप अपने लेसन पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।